मैं रफशान पिरानी एमईटीवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। तनमर नगर परिसर की कचरा पेटी से स्थानीय हॉकर्स हुए परेशान। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कुछ दिनों पहले हमने लाइव वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि कैसे तनमर नगर परिसर में कचरे का अंबार लगता है। वहीं स्थानीय जो हॉकर्स हैं, जिन लोग अपनी घर चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ पर धंधा लगाते हैं, म्यूनसिपाल्टी ने उन लोगों को एक लकीर, एक लाइन दे रखी है, उसके अंदर उन्हें अपनी धंधे को लगाना पड़ता है। परंतु उस लाइन और लकीर के अंदर अगर कचरा डंपिंग किया जा रहा है, उनके बैठने की जगह पर अगर कचड़ी गाड़ियां खड़ी है, तो वह लोग कहां जाएंगे? उन लोगों का क्या कहना है इस मामले में? कैसे वहां पर गाड़ियां खाली होने के बावजूद भी जो पिकअप से कचरा लाते हैं वह लोग रास्ते पर वही कचरा डालते हैं, गाड़ियों में नहीं डालते? इसकी शिकायत उन लोगों ने अभिषेक कंपनी के सीनियर जो अधिकारी है उन लोगों से भी की, परंतु इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा उन गरीब हॉकर्स का कहना है। आइए देखते हैं और जानते हैं क्या कहा इस मामले में इन गरीब लोगों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। अयूब भाई, अभी हम लोग तनोर नगर के पास में खड़े हैं, यहाँ पर पीछे हम देख रहे हैं कचरा रास्ते पर पड़ा है, आप बताना चाहेंगे क्या मामला है ये? पता नहीं है कैसा दुख दे रहे, हम लोग सोचते हैं कि सुबह में 11-12 बजे आके, लेकिन यहाँ पूरा कचरे का अंबार लगा रहता है। हम लोगों को बारिश की वजह से 1.5 महीने से कारोबार करने मिल नहीं रहा है, और ये लोग गाड़ी को खाली होने के बावजूद भी यहाँ नीचे गिराते हैं। ये गाड़ी जो है खाली है कचरे की, देख लीजिए आप, गाड़ी खाली है और हम लोग यहाँ बैठते हैं, म्यूनसिपाल्टी हमको आके भगाती है। अब हम लोग यहाँ नहीं बैठे तो यहाँ पर कैसा बैठेंगे? आप ये बताइए, ये पूरा घान, हम लोग पहले यहाँ पर बैठते थे। बराबर है, म्यूनसिपाल्टी ने आप लोगों को एक लाइन दी है, उसके अंदर बैठने को बोला है, उसके अंदर ये और जो ये लाइन के अंदर ये लोग ने कचरा डाल के रखे, तो अब हम लोग कहाँ से बैठेंगे? आप लोग ये बताइए, अब ये गाड़ी खाली होने के बावजूद भी 5-5 बजे तक के पूरा वहाँ तक के अंबार लगा रहता कचरे का। इसकी शिकायत आपने कचरा जो डंपिंग करने आते उन लोगों से की? वो उन लोगों तो अभी उधर जाके इंटरव्यू हो रहा है, भाग गए उन लोग, एक उधर जा रहे यहाँ पर बैठने से मन, हम बैठेंगे तो बैठे कहाँ? हम 1.5 महीने से हम लोगों के नाश्ते खाने के वांदे हो गए। मुमरा के नेताओं से क्या डिमांड करेंगे? मुमरा के नेता अपने काम में लगे हुए, हमारे पास इस तरफ आते ही नहीं। बीच में वो साकिब भाई आए तो थोड़ा बहुत हुआ था, वो 8-10 दिन के बाद में उन लोगों का फिर सब कुछ वैसे के वैसे ही हो गया। ये जो कंपनी है कचरे की, ये कोई प्राइवेट कंपनी को दिया गया है? अभिषेक का है, ये अभिषेक कंपनी है। हाँ, तो उसके अधिकारियों से आपने बात नहीं की? उन लोगों से बोलते हैं हाँ हाँ, वो करके चले जाते हैं, कभी ये गाड़ी यहाँ है उनसे बोलो, तो बोले नया ड्राइवर है, क्योंकि ये आप लोगों की बैठने की जो जगह है हम लोग देख रहे हैं काफी टाइम से, इसके पहले मैंने भी लाइव चलाया हूँ 1-2 बार, ये कचरा ये लोग यहीं पे छोड़ते हैं गाड़ी खाली होने के बावजूद भी। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की वो कंपनी के जो मुमरा प्रभाग समिति से? आप लोगों की क्या मांगे म्यूनसिपाल्टी से, आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहिए कचरा नहीं रहे तो अच्छा है, नहीं आगे लगा के रखा है, वो कहाँ जाएंगे? म्यूनसिपाल्टी आएगी माल उठा के ले जाती है, अब ये कचरा डालेंगे तो क्या? ये आप लोगों की बैठने की जगहों पर कचरा डाला जा रहा है, फिर अभी म्यूनसिपाल्टी उठा के माल ले जाए, वो भागेंगे बेचारे, जाएंगे कि अभी किधर जाएंगे हम भगते? अभी हम लोग 11-12 बजे पहले लगाते थे, लेकिन अब ये लोग का 3-4 बजे तक के पूरा कचरा, बाजे वक्त हम लोग 7 बजे तक के यहाँ पर इंतजार करते हैं, जेसीबी आती है, गाड़ियाँ भरवाती है, फिर जाती है। अब 7 बजे शाम में, 7 बजे शाम में 7 बजे, अब ये बताओ अब किस वक्त हम लोग कारोबार करें? बोलो आरिफ भाई, एक तो बारिश, एक बदबू, यहाँ पे बैठते हैं ना भाई तो ग्राहक ऐसा बुरखे करके भाग जाते हैं आपस में, बोले भाई कैसे तुम लोग बैठते हैं यहाँ, ग्राहक नहीं रुकता भाई यहाँ पे, इतनी बात आती है, इतना ऊंचा कचरा जमा रहता है यहाँ पे। देखे हम लोग ने इसके पहले 1-2 बार, अभी तो थोड़ा साफ भी दिख रहा है लेकिन साफ रहता नहीं यहाँ पे। और आप लोगों की बैठने की जगह जो म्यूनसिपाल्टी ने दी उसी जगह पर ये कचरा डाला जा रहा है? उसी जगह पे पूरा कचरा, पूरा कचरा पट्टी के अंदर में ही है, हम लोग कहाँ बैठेंगे? उमरा म्यूनसिपाल्टी के ऑफिसर से आपकी क्या मांगे भाई? साफ सफाई हो या फिर कहीं दूसरी जगह कचरे को करो या पीछे करो या रोज उठा लो, टाइम पे जल्दी उठा लो सुबह में। संडे के दिन शाम को 6 बज जाता है, जबकि हम लोग को 2 पैसा कमाने का जो दिन होता है उस दिन ही कचरा नहीं उठाते, संडे के दिन कई बार क्या करेंगे?
भाई गाड़ी आई नहीं है, बोले कि भाई कचरा क्या हमें अंदर डाल दो, समझे, तो उन्होंने यहाँ पे फेंक के गए, यहाँ पे डाला अभी इतनी बात सारी हम लोग धंधा है। वीडियो है मेरे पास, वो गाड़ी का वीडियो मुझे भेजा है किसी ने, आए ना हम लोग पहले ही बोले कि भाई कचरा अंदर भेजो, कि लोग कितनी जगह अंदर देखो, एक ऑटो आई थी ना, ऑटो से खाली कर रहे थे, अंदर उन्होंने कितनी जगह अभी मैं आपको देख के चले गया, उन्होंने यहाँ पे फेंक के नहीं डाला, हम लोग धंधा कैसे लगा दिए भाई, हालत खराब है। कितनी कितने हॉकर्स है जो यहाँ पर बैठते, लगभग 100 हॉकर्स हो गए, इतने लोगों की रोजी रोटी की जगह पर ये कचरा फेंका जा रहा है, गाड़ी खाली होने के बावजूद भी यहाँ कचरा फेंक रहे, गाड़ी में नहीं डाल रहे, कभी कभी गाड़ी ना इतनी आगे लगा देती कि हम लोग को धंधा करने भी नहीं होता है। भाई थोड़ा आइडिया हो ना, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में, जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, जय हिंद जय महाराष्ट्र।